वर्तमान में मैं अकेला उप सरपंच हूँ, यहाँ पे एक पंच है मेरे पास में, और मीटिंग रखी है तो सचिव और सहायक एक ही इंसान है हमारे यहाँ पे, आज सरपंच भी नहीं वर्तमान में यहाँ पे, तो हम मीटिंग किससे करें बताओ, आप ही बताओ कि हम मीटिंग किससे करें। ये मीटिंग किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? वो मीटिंग का मैं कोई कारणवश मैं बाहर चला गया था, तो मैं आया, मेरे को खबर घर से मिली कि भाई आज मीटिंग है, तो मैं आया मीटिंग में। अब डेढ़ दो बजे या तीन चार बजे होंगे, तो यहाँ पे ये पंच है मेरे पास में, और पंच है और मैं हूँ उप सरपंच हूँ मैं, किशन राव जी जावरा, मेरे पापा का नाम अमन राव जी जावरा है, और यहाँ पे सचिव सहायक एक ही इंसान है वो, और सरपंच नहीं है। तो मीटिंग काय की रखी आप, मैं कम बड़ा इंसान हूँ, तो आप बताइए कि जब सरपंच सचिव ने मीटिंग रखी, मैं बाहर था, मैं आया घर से, मेरे को खबर मिली, तो यहाँ सचिव सरपंच ने देखिए आप इधर कैमरा घुमाइए, आपका सचिव सरपंच सहायक नहीं है, ये मीटिंग काहे की रखी? तुम कब से परेशान हो रहे, कब से बैठे तुम? कम से कम मैं तीन से चार महीने से पंच, वैसा तो मैं शुरू से कितने बजे से बैठे, सुबह से 9 बजे से मैं 11 बजे से बैठा हूँ, आज सचिव सरपंच यहाँ पे आए नहीं। अरे अभी 3 बज गया है, 3 बजे, तो आप देखिए, तो आप बता हम मीटिंग काय की करें? हर बार ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है, और मैं बताओ 4 या 5 या 6 दिन पहले मीटिंग हुई पंचों की, हमने एक प्रस्ताव लिया कि बाहर का व्यक्ति या कोई नेता पंचायत के कार्य में विभेद न डाले, हमने एक प्रस्ताव लिखा है, जब तो अभी सचिव रहता तो हम कि उसमें बता दे रजिस्टर लेके, आप फोटो ले सकते उसकी, तब तो वोच नहीं है, ये मिली जी सरकार है। हाँ सरपंच भी 3 घंटे से हम देख रहे हैं, 11 बजे से बैठे हैं, तो सरपंच भी सचिव भी नहीं आ रहा, देखिए ये हालत देखो। और मैं ऐसा एक इंसान हूँ, तीसरी पढ़ाई इंसान हूँ, मैं वार्डों में निर्विरोध इंसान। आप इस ग्राम पंचायत के सरपंच हो? जी हाँ। ग्राम पंचायत में आज जो बैठक बुलाई गई थी, जी हाँ, ये किस कारण बुलाई गई थी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, और आप कितने देर से यहाँ परेशान हो रहे हो? मैं तो 11-12 बजे से यहाँ बैठा हूँ, अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपने अभी तक के सरपंच सचिव को सूचना दी है? 2-4 बार दे दी, आदमी भेजे यहाँ से, तो क्या निर्णय क्या आया उनकी तरफ से, क्या आए चले बोलते जगह पे, तो फिर क्या बोले अपन? तो फिर ये जो आज आप बैठक करवाने वाले थे, तो ये कैसे होंगी? अब क्या बताएं भाई, कैसे करते बैठक, तो ये मैंने लिख के भेजा तो बुलाया तो आया। आपका नाम क्या है वैसे? रघुनाथ दरवाई जाओ। रघुनाथ जी, आप हमें ये बताएं जी कि ये जो समस्या है जी, ये क्या आज की है या हमेशा की? हमेशा ऐसी चलती आ रही, चलती रहेगी, इस प्रकार चलती रहेगी भी, ऐसा अंदाज भी है मेरे को, इस प्रकार की ऐसी चलती रहेंगे समस्या है, इसको निजात पाने के लिए आपने कभी आपके उच्च अधिकारियों से, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष से, या फिर किसी भी अधिकारी से आपने इसकी सूचना की है, कोई पत्र पत्राचार किया हुआ है? नहीं, वैसा तो नहीं जारी किया, मालूम है नहीं ना, जावरा से गोठान देखा है, उसके बाद मालूम है। चलिए ठीक है।